राम राम भाई सारी बाणा ने। उम्मीद करूं कि सारी बाण ठीक ठाक होंगी और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो टाइम हो गया है पूरा 11:30 का और ये मेरा काम कंप्लीट होया है और ये बच्चे आने का टाइम हो जाएगा। कम कम हो तो सोचने वाली बात है। तो भाई आज बहुत कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ मैं, क्योंकि हमारे मतलब हमारी जो घर में शादी है तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है अपनी। तो मैंने कितने सूट सिलाए हैं, कितने बढ़वाए हैं, टोटल कितने नए आए हैं, और भी कई बड़ों के कमेंट भी आ लिए और कई आए के फोन भी आ लिए भी अपना ना सूटा का कलेक्शन दिखा दे, जो मतलब स्टिच है अपना खुद का कलेक्शन दिखा। तो आज मैं तुमने अपना खुद का कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने सूट हैं जो अभी नए बनवाए हैं करवा चौथ के बाद। मैं करूँगी स्टार्टिंग करवा चौथ के सूट से लेकर अभी तक मैंने कितने सूट बनवाए हैं वो दिखाऊंगी। तो करते हैं शुरुआत। तो मैंने बनवाया है, एक तो ये बनवाया है पिंक कलर का। भाई खोल लो नहीं, देख साची बता दूँ, क्योंकि ना खोलने में तो भाई बहुत टाइम लग जा है और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक सूट की तय करूँगी। ये वाला बनवाया है मैंने, ऑर्गेंजा का सूट है, बहुत ही प्यारी कढ़ाई का सूट है और बहुत मैंने इसकी बनाई है। मैंने दिखाया भी था शायद एक दिन वीडियो में, मैंने इसकी बना रखी है पठानी सलवार। ठीक है, बिल्कुल लाइट पिंक कलर का सूट है। एक तो मैंने ये बनवाया अपने लिए और दूसरा भाई ये करवा चौथ वाला तो मैंने देख लिया था, पैर और भी देख रखा है ये, इसकी भी पठानी सलवार है। तो एक ये बनवाया है, बनवाई रखा है ये, तो ये मैं और ये सारे मैंने खुद स्टिच किया है, जो मैंने स्टिच नहीं किया वो मैं तुम्हें बता दूँगी। तो भाई एक ये बनवाया है और इसका भी बिल्कुल लाइट ही कलर है, लेकिन इन पर चुन्नी डार्क कलर की है बिल्कुल। और भाई एक ये ब्लू कलर का बनवाया है, ये भी इसके नीचे शरारा है, ये बहुत ही प्यारा है, सूट भी बहुत प्यारा है और देखो इसके तो ग्रेस ही अलग है। ये इसकी थोड़ी सी फिटिंग करनी रहती है थोड़ी सी, तो ये सेमी स्टिच आया था तो इसकी फिटिंग रहती है। आज मैं इसकी फिटिंग भी कंप्लीट करूँगी और इसकी थोड़ी सी बाजू मेरे को पसंद नहीं है, तो उन बाजू को देखती हूँ क्या करना है। तो आज इसका भी कुछ इलाज करेंगे, लेकिन सूट ये इसका तो कम पता नहीं क्यों मेरे को ब्लू कलर बहुत प्यारा लगने लग गया। पहले मैंने कभी मतलब बहुत ही कम डाले थे मैंने ब्लू कलर के सूट, लेकिन अब मेरे को ब्लू कलर जचता भी और अच्छा भी लगता है। तो एक ये हो गया ब्लू कलर का सूट और लस्सी पी लिया आज मैंने। नारसी चुन्नी है बिल्कुल मतलब है लाइट लेमन कलर की, तो इसका सूट अभी टेलर के पास गया हुआ सिलने के लिए, इसकी मैंने पैंट बनवा रखी है। तो इसका सूट कैसा है कि इसका सूट है मतलब है मतलब गोल्डन गोल्डन सा क्रीम क्रीम कलर का सूट है और उसके नीचे ग्रीन कलर की पैंट है और उस पर 3D सूट है, ये लेमन कलर की चुन्नी है। तो ये अभी मेरा आया नहीं है, आने के बाद दिखाऊंगी। और भाई एक मैंने ये बनवाया है कॉफी कलर का सूट, कॉफी कलर की वो मतलब है। ये मैंने बिल्कुल अलग अलग लेके करवाया था और तुम्हें बताया भी था मैंने 800 रुपये मीटर का जो मैं सूट कुर्ती लेके आई थी दिल्ली से वो वाला है। तो मैंने इसकी ये बनवाई है और इस पे ये मैं चुन्नी लेके आई हूँ ऐसे चमक में, और इसका ये मैंने सूट बनवाया है ये वाला लेमन कलर का, लेमन और कॉफ़ी कलर का कॉम्बिनेशन मैंने इसका तैयार करवाया है। तो ये भी बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, मैंने डाल के देखा था। तो इसको मैं जिस दिन डालूंगी तो इस पर रील्स भी आएंगी, मोज पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, रीजल ऐप पे भी और उसके बाद यूट्यूब पे भी। तो भाई एक ये बनवाया है और एक मैंने बनवाया है ये वाला, बनवाया नहीं है मैं स्टिच लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ मैं नायरा कट सूट, काफ़ी चला हुआ ट्रेंडिंग में है। तो बस भाई मैं इसको इतना नहीं दिखाऊंगी, बस इसको इतना ही दिखाऊंगी, ये देखो
इसका भी कलर कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। तो इसके ऊपर ये पैंट है, मतलब सर्कुलर प्लाजो नहीं है इसमें, मतलब ना प्रॉपर पैंट है, थोड़ा सा खुला खुला पजामा बोलते हैं ना वो वाला इसके ऊपर है। और ये इसकी प्यारी सी चुन्नी है। तो ये सूट भी मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो फिर मैं उस दिन शॉपिंग कर रही थी तो फिर मैंने ले लिया ये। तो ये भी चलेगा, और इसकी भी फिटिंग रहती है थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ से मैं इस पर बाजू लगवा लाई और जो कि बाजू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, तो आज कोशिश करूँगी कि मैं इसकी बाजू हटाऊँ। और इसके बाद भाई मैंने एक और जारा कंपनी का सूट ख़रीदा है अपने लिए, और इसकी फुल वीडियो इस सूट की आएगी रेया कलेक्शन पे, तो वहाँ पे मैं पूरा ओपन करके इस पे वीडियो बनाऊँगी रेया कलेक्शन पे, तो आप वहाँ पे जाके इसकी पूरी वीडियो देखना। और भाई जो जिन्होंने रेया कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया जाके रेया कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने मोना बुधवार को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पे डेली का कंटेंट कुछ नया ही होता है। तो अभी मैं दिखा दूँ जो मैंने स्टिच सूट अपने लिए बनवाया है, मंगवाया है जारा, ये देखो जारा कंपनी का सूट है। और भाई बस मैं इसकी कुछ ज़्यादा नहीं आते सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, बस मैं कुछ प्यारी प्यारी चीज़ जो चीज़ बनती इससे मैंने इसके लिए इस चीज़ से ये ख़रीदा है। स्टिच सूट है, बस इसकी फिटिंग होनी है। और भाई रेट भी बहुत ही प्यारा है, और यूँ नहीं है ज़्यादा कॉस्टली है, और पूरे सूट में मोती और कढ़ाई का काम है, मतलब जैसे ब्रांड होती है उसी टाइप से ये सूट है। तो एक झलक मैं इसकी बस यहाँ पे दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन पूरे सूट की जो है आपको वीडियो मिलेगी रेया कलेक्शन पे। और ये इसकी चुन्नी है, तो पूरी वीडियो खोल के वीडियो मिलेगी आपको रेया कलेक्शन पे, तो आप पूरी वीडियो देखना भी रेया कलेक्शन पे। तो मैंने कितने सूट बनवाए अपने लिए अभी मैं एक बार गिनती कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो ये हो गए, और भाई 9 10 11 तीन मेरे अभी अनस्टिच रखे जो कि मैं स्टिच करने वाली हूँ, उनको स्टिच कर लूँगी। तो इनर भी साथ हुए हैं और ऐसे रखे हुए हैं, बस मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज देखती हूँ मैं एक तो इसकी जारा वाले की फिटिंग करूँगी और एक सूट मैं कट करूँगी अपना। तो थोड़े से ही बने यार ये सूट, तो शादी के लिए तो कम है 11 सूट, मुझे और सूट लाने होंगे अपने लिए और एक लहंगा जो कि मतलब तैयार होने के लिए गया हुआ है 12। तो देखो बेबी मैं एक बात कहना चाहूँगी इस बात पर ही, हाँ कि ध्यान ना दियो, मेरे बहुत ही कम सूट हैं और जो कि मुझे और भी चाहिए थे, क्योंकि शादी में फंक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो भाई देखो घर की दुल्हन तो अच्छी लगनी चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ सूट और बनवाऊँगी, ये मुझे कम लग रहे हैं। तो कृपया मेरी बातों पर ध्यान ना दे के अपना ब्योह देख लियो खुद सुनो घर क्या पे। तो ये मैंने थोड़े से ही बनवाए, क्या करें बीबी अपना ब्योह देख कर चलना चाहिए, जितनी चादर हो उतने पाँ पसारने चाहिए, उससे बाहर क्योंकि अगर चादर तो बाहर पाँ दुखी कराया करें, क्योंकि पाँ भी ज्यादा लगेगा और चादर भी न्यून तो न्यून रहेगी। तो इसीलिए तो मैंने थोड़े से ही सूट बनवाए हैं। तो भाई आज एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी है कि कितने लोग हैं जो मेरी बातों से इम्प्रेस होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और भाई कितने आप लोगों को सीख मिलती है मेरी वीडियो से, प्लीज़ कमेंट करके बताना। क्योंकि ये सारी बातों के राज मैं कुछ टाइम के बाद खोलूँगी, एक के शेयर करूँगी एक दिन, ठीक है, कि क्या बात है क्या नहीं है पूरा बताऊँगी, लेकिन तब तक अपना प्यार और प्रेम नहीं बनाए रही। और भाई बहुत खुशी हुई कि मेरे 10 के हो गए, सच में जो एक ड्रीम था वो कंप्लीट होता नज़र आ रहा है, और जो लोग जल रहे हैं ना बड़ी आला थप्पड़ चल रहा है उनका, था तो अच्छी बात है, क्या कह रहे हैं बेबे किसे तो जलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जलना बुझना बेवकूफ़ों के काम होते हैं सच बता दूँ तो, क्योंकि आग जा का हिसाब भी देना ऊपर बैठा है जो भगवान, क्या कह रहे हैं ना कि भाई किसी की बाण बेटी के बारे में अच्छा नहीं कह सको तो किसी की बाण बेटी के बारे में बुरा भी मत कहो,
क्योंकि किसी लड़की ना बदनाम करो, किसी की बहन ना बदनाम करो, किसी की बहू ना बदनाम करो, किसी की बेटी ना बदनाम करो, तो अपने ऊपर वह आज आड़े आ जा है, क्योंकि सब हर चीज का न्याय यहीं पे है, इस धरती पे है, इंसान यहीं भुगत के जाता है और यहीं पे सारी चीजें होती है उसके साथ। तो इसलिए कहा अगर किसी की बाण बेटी ना बदनाम नहीं कहा करे, अगर नहीं तो भगवान भी ऊपर बैठे है ना, जो किसी की बाण बेटी ना बदनाम करे है तो उसने तो मेरे ख्याल में सब तब बूंदिया सजा मिलती होगी। तो कह अगर ना बड़े बुढ़े अगे भाई पानी का भी हिसाब होया अगर ऊपर तैनू अगर नान जा अगर ती पहला की बड़ी बुढ़ी नु कहा करती है दो डिब्बे बथेरे इसका भी हिसाब देना ऊपर, तो हर चीज का हिसाब होया अगर। तो इसलिए अपना भाई किसी की के भी बारे में अगर तुम अच्छा नहीं कह सकते ना तो बुरा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी की बाण बेटी जब तक शुद्धि है जब तक तुम उससे शुद्धे हो, लेकिन नहीं तो वह भी इतनी बेकार हो जाएगा। जो गंदा आदमी हो ना तो उसकी गला गंद पड़े पे उतरना पड़े अगर, क्योंकि जब भी इंसान ने सीख मिल लिया अगर। तो भाई ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, और मेरे सूट कैसे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और भाई तुमने वीडियो किसी लगे है वह चीज़ भी ज़रूर बताइयो, एक एक कमेंट करके बताइयो। तो मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब ना करा कर लो, दोबारा तो बोल रही हूँ बार बार मत कवाया करो, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसा तो बूढ़ा लगता है कि मुझे बार बार बोलना पड़ता है सब्सक्राइब कर लो, तो बिना कहे कर दिया करो ठीक है। तो भाई उम्मीद करो कि तुमने सारा ने वीडियो पसंद आई होगी, और रेया कलेक्शन पर जाना ना भूले, क्योंकि वहाँ पर ज़ारा कंपनी का सूट आया हुआ है, तो उसको देख के वीडियो को देख के और भाई जिस बार ने चाहिए ऑर्डर कर दियो, नंबर कार तुमने सारी चीज़ का बेरा है। राम राम।